फाइनली बीजेपी न्यू अपडेट लेजेंडरी पायलट चैलेंज यहाँ कंप्लीट हो चुका है। सारे मिशन रिवील हो चुके हैं और इन्हें पूरा करते ही ये सारे स्पेशल रिवॉर्ड्स मिल चुके हैं। किल फीड गेम में आ चुकी है, कुछ इस तरह से यूज कर सकते हो अपनी किल फीड। ये रोबोट डांस कब से करने लगा? मेका रोबोट की स्पेशल पावर्स देख रहे हो, बल्कि एक नहीं कई तरह के डांस स्टेप्स आते हैं इसे। और फाइनली ऑक्टोपस हमें गेम में मिल ही गया, यहाँ छुपा बैठा था ये, तो इसे भी चेकआउट करेंगे। तो क्या हाल है, कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एक नया रैंप वॉक दिख रहा है कंपेनियन का गेम के अंदर, अपने सारे कंपेनियन ऐसे शोकेस कर सकते हो, लॉबी में भी कर सकते हो और स्पॉट आइलैंड पर भी कर सकते हो। और गेम में जो फ्री रिवॉर्ड्स आए थे पिछले वीडियो में हम बात कर रहे जिनके बारे में, वो रिवॉर्ड्स इस तरह से अनलॉक होते हैं और यहाँ से कुछ भी यूज कर सकते हो। जेट पैक, मैग्नेट गन, मैग्नेटाइज स्किल, आर्मा मैक डांस, एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट, बहुत कुछ है यहाँ खेलने के लिए। पर सबसे पहले इन ऑक्टोपस भैया से मिलकर आना पड़ेगा, ये पानी के अंदर छुपे बैठे रहते हैं, बाहर निकलते ही नहीं है, तो हमने सोचा हम ही अंदर चलते हैं। सो पिछले वीडियो में हम देख रहे थे गेम के अंदर मॉन्स्टर्स आ गए भाई, और जैसे जैसे मेका रोबोट वगैरह उनके पास जाते हैं ये मॉन्स्टर बाहर निकलता है, उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन पूरा बाहर नहीं आ रहा था, तो हम ही अंदर चले गए। अब देखो ये मॉन्स्टर ऐसे अंदर छुपा बैठा है, क्या पता आगे आने वाले अपडेट्स के अंदर ये पूरा भी बाहर आ जाए। अभी तो सिर्फ ये अपने हाथ बाहर निकालता है एक दो और दिखाता है कि ये अंदर छिपा हुआ है, बट देख रहे हो काफी डरावना लग रहा है। ये सी मॉन्स्टर कैसे घूर रहा है मेरे बंदे को, जैसे खाई जाएगा। अब नीचे छिपा बैठा है पता नहीं कितने दिन में बाहर निकले, जिनमें कुछ पावर्स को नर्फ कर दिया गया है, तो कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड लग रहा था ये रोबोट पहले। ये देखो प्लेयर्स के कंप्लेन करने के बाद ये एडजस्टमेंट्स कर दिए इन्होंने, थोड़ी स्पीड कम कर दी है, एचपी कम कर दी है, डैमेज कम कर दिया है उससे होने वाला। तो इसका मतलब लेजेंडरी पायलट चैलेंज को कंप्लीट करना अब बहुत मुश्किल होने वाला है, समझ रहे हो? पर चलो कोई बात नहीं, मैं फटाक से ही बता देता हूँ मैंने कैसे कम्प्लीट किया, वैसे वैसे तुम भी कर सकते हो, तो जल्दी जल्दी कर लेना इससे पहले इसको और नर्फ कर दे और बाकी सब बंदे भी इसे करने लग जाए, क्योंकि ये बहुत ही कमाल का चैलेंज है। तो देखो पहले दो मिशन तो बहुत ही बेसिक है, 10 बंदे मारो स्पेसशिप में, और दूसरा है 4 बार मेका को लॉन्च करवा दो और ये कंप्लीट हो गया। और तीसरे मिशन में यहाँ हमें 3 बंदों को एक बार में डैमेज देना है, वो भी 3 बार, तो ये एक मैच के अंदर भी हो सकता है और एक से ज्यादा मैच के अंदर भी पूरा कर सकते हो। तो सबसे पहले जहां बंदे एएफके खड़े थे वहां मैं एक बॉट को लेगा नॉक करके, और इस तरह से कंप्लीट कर लिया मैंने। या फिर सोलो मोड खेल लो यार, और सोलो मोड में यहाँ बंदे एएफके खड़े होते हैं फ्लाइट पाथ पर, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आओ और इनको डैमेज दे दो। तो देख रहे हो एक ही मैच में मेरा 2 बार कंप्लीट हो गया, ये तो एक बार डैमेज ये हो गया, वो देखो 2x3 आ रहा है, अब फिर से डैमेज दे देंगे और ये वाला मिशन आसानी से पूरा हो जाएगा, और ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा चैलेंज कंप्लीटेड, मतलब मिशन कंप्लीट। और कुछ इस तरह से फाइनल मिशन अनलॉक हो जाएगा, जिसमें पैरों से कुचल कर मारना है बंदों को। बस 3 मैचेस के लिए अपना रोबोट एंड तक लास्ट जोन तक बचा कर रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एचपी अब बहुत ही कम हो चुकी है, अभी बहुत आसानी से ब्लास्ट हो जाता है, जो कि काफी मुश्किल हो सकता है। और फाइनली बीजीएमआई न्यू अपडेट में अनलॉक हो जाएंगे ये सारे स्पेशल रिवॉर्ड, जिन्हें हम फ्री में अब यूज करते रह सकते हैं गेम के अंदर, क्योंकि ये देखो मेरा अब डांस का आइकन अनलॉक हो चुका है, मैं ये इमोट्स यूज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले ये वाला इमोट दिख रहा है यहाँ पे, काफी फनी इमोट है ये, और इसके 3 इमोट है, कैसे सेलेक्ट करने ये भी चेकआउट करते हैं। सबसे पहला ये है, तो इस भयंकर रोबोट के, जो कि अब इतना भयंकर नहीं लग रहा, अब थोड़ा सा फनी लग रहा है, ये 3 मोड होते हैं यहाँ पे, एक मिसाइल मोड है, एक बॉक्सिंग मोड है और एक मैग्नेट गन मोड है। तो ये वाला इमोट तो इसका मिसाइल मोड पे होता है, तो मिसाइल मोड के बाद जब इसे मैग्नेट गन मोड पे स्विच करते हैं तो इमोट बदल जाता है। देख रहे हो अब जैसे ही मैंने मिसाइल मोड से मैग्नेट मोड पे स्विच करा तो इसका दूसरा इमोट शुरू हो गया, तो ये वाला इमोट है इसका सेकंड इमोट। और इसे फ्री में यूज करने के लिए बस इसे मिसाइल मोड से मैग्नेट गन मोड पे स्विच करो तो ये वाला इमोट करने लगता है अपना रोबोट। पर एक और मजेदार बात पता है क्या है, कि ये अपने आप भी इस इमोट को करता रहता है, हमें इसके अंदर बैठकर इमोट करवाने की जरूरत नहीं है। मैंने ये इमोट स्टार्ट करा और उसके बाद मेरा बंदा उतर गया, उसके बाद भी ये रोबोट नाचता ही जा रहा है, रुकी नहीं रहा। तो अब आ रही है इमोट नंबर 3 की, तो कुछ इस तरह से ये गोल घूमता है इसके अंदर और स्पेशल लॉक एंड पॉप मूव करके दिखाता है अपना रोबोट, देख रहे हो? तो ये 3रा इमोट है इसका, मतलब गेम वाले या मेगा रोबोट के फ्री इमोट दे रहे हैं, हिप हॉप डांस तक करवा सकते हो इससे आप पर। ये अचीवमेंट है जो कि पहले पूरी करनी पड़ेगी, लेजेंडरी पायलट चैलेंज कंप्लीट करो तब जाकर ये स्पेशल फीचर्स खेलने के लिए मिलेंगे। लेकिन अब आ रही है फ्री किल फीड की, देख रहे हो कैसे स्पेशल किल फीड आ रही है बंदों को मारने पे इस रोबोट से, ये भी एक नया फीचर है जो कि एक्टिवेट करना पड़ता है। वैसे स्किन्स और कलर इफेक्ट्स कैसे बदलने ये तो हम पहले चेकआउट कर ही चुके हैं। अब एक और नया इंटरेस्टिंग फीचर जो मुझे लगा वो है मार्कर। तो एक बार इस मिसाइल से किसी को हिट करा तो वो बहुत देर के लिए मार्क हो जाता है, फिर वो बंदा कहीं छुप नहीं सकता, पता चल जाएगा वो कहां पर है। ये देख रहे हो बहुत देर पहले इस रोबोट ने उसे मिसाइल से पेला था, पर अभी तक पता चल रहा है वो बंदा कहां पर छुपा हुआ है। बहुत देर तक मार्क किया जा सकता है बंदे को। और ये सब खतरनाक चीजें तो तब हो रही है जब इसे नर्फ कर दिया है, इसकी पावर्स को कम कर दिया है, उसके बाद ये हाल है। तो नए पैच नोट्स के अंदर जो बदलाव करे बीजीएमआई के अपडेट में, वो सारे बदलाव पहले से ही आ जाएंगे, क्योंकि बीजीएमआई के अंदर तो कुछ दिन लेट ऐड हुआ है ना ये गेम। तो बीजीएमआई न्यू अपडेट में आगे है
नई होला बडी स्किन जिसके अंदर कोई नया कंपेनियन ऐड करने के बजाय पुराने कंपेनियंस को फिर से निकालने का मौका दे रहे हैं गेम वाले, और इसकी नई स्किन्स निकालने का मौका भी दे रहे हैं। तो चाहे वो सबसे पहले फाल्कन कंपेनियन की एनिमेटेड आइज ग्लोइंग आइज वाली स्किन हो या फिर ये बाकी लेजेंडरी स्किन्स हो, ये सारी स्किन्स निकालने का मौका गेम वाले दे रहे हैं प्लेयर्स को दोबारा से। तो बीजीएमआई का एक और नया इंटरेस्टिंग अपडेट है, नया यूसी प्राइस पास इवेंट जिसे बोनस पास का नाम दिया जा रहा है, जिसके अंदर कोई भी यूसी रिफंड नहीं मिलती है। तो ये रॉयल पास जैसा तो मुझे लग नहीं रहा, पर फिर भी 900 यूसी के अंदर काफी सारे रिवॉर्ड चाहिए जिसके अंदर अपग्रेडेबल स्किन्स भी हैं, तो ये काफी अच्छा इवेंट हो सकता है। लेकिन रॉयल पास समझ के इसे इस्तेमाल करने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसमें जो यूसी लग गई वो लग गई, दोबारा ना मिलेगी। न्यू कलेक्शंस फीचर सीजन रिवॉर्ड्स। अब यहाँ पे सीजन रिवॉर्ड्स अनलॉक हुए तो एक मिथिक लॉबी दिख रही है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे अगर इसे मैक्सिमम लेवल तक ले गए तो मिथिक लॉबी शायद फ्री में मिल जाए, आओ चेकआउट करते हैं। ये देखो, ये रही वाली मिथिक लॉबी, जैसे कि पॉपुलैरिटी इवेंट में मिथिक लॉबी आती है या फिर यूसी ओपनिंग्स में आती है, ये वाली लॉबी बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी जैसे इसके लेवल 7 या फिर मैक्सिमम लेवल तक पहुंचोगे सीजन रिवॉर्ड्स में। और गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ मैक्सिमम लेवल तक पहुंचने के लिए भी आउटफिट्स वगैरह तुम्हें रिडीम करने पड़ेंगे, तो वो यूसी ओपनिंग से मिले चाहे ना मिले, फ्री ओपनिंग्स वाले तो ज्यादा से ज्यादा रिडीम करने की कोशिश करेंगे, क्या पता उससे हो जाए, चेकआउट करेंगे, अभी कंफर्म नहीं है। इसके बाद बीजीएमआई न्यू अपडेट में रिवील हुआ एक नया अल्टीमेट सेट जो कि मेल फीमेल दोनों ही कैरेक्टर्स के लिए गेम में ऐड हुआ है। ये टर्मिनेटर मूवी से इंस्पायर्ड लग रहा है, इसका स्पेशल मिथिक इमोट दिख रहा है, यहाँ पे गन्स की नारी है इसके साथ, बैकपैक वगैरह तो हम पहले ही चेकआउट कर चुके हैं। ये देखो, ये रहा इस ओपनिंग का सेकंड मिथिक इमोट मर्करी सोल्जर, क्योंकि इसका नाम भी मर्करी सेट ही है। ऑल्सो जो अपग्रेडेबल गन स्किन फेटल फॉयल क्यूबीजी इसके साथ ऐड हुई है, इसका हिट इफेक्ट थोड़ा यूनिक है, किसी भी दूसरी गन से काफी यूनिक लगता है इसका हिट इफेक्ट। तो बीजीएमआई न्यू अपडेट में काफी इंटरेस्टिंग चीजें प्लेयर्स के लिए रेडी है। प्लेयर्स को ये मोड कैसा लगेगा ये तो मोड के एक्टिवेट होती है और प्लेयर्स के खेलते ही पता चली जाएगा। और मुझसे पूछो तो मैंने ये वाला मोड खेला, मुझे ये वाला मोड भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, जैसे कारपेट वाला मोड आया था ये वाला मोड भी काफी मस्त है। तो ठीक है, इस मोड के बारे में नई चीजें नई सीक्रेट टिप्स वगैरह के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू ऑल।